हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको जो जो क्लास 12th का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसका अगर आप देखेंगे पेज नंबर 54 पर, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 2016 में एक ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें कि 51.9% लोगों ने फैसला किया था कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा, जिसे ब्रेक्सिट भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, जनमत संग्रह के बारे में जान लें कि 23 जून 2016 को यूनाइटेड किंगडम और जिब्राल्टर में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया, ये फैसला लेने के लिए कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का हिस्सा रहना चाहिए या फिर उसे यूरोपीय संघ छोड़ देना चाहिए। तो किस तरह उसमें पंजीकरण और मतदान हुआ और क्या परिणाम हुआ, जनमत संग्रह में मतदान करने के लिए कुल 46 करोड़ के आसपास लोग पंजीकृत हुए थे और 33 करोड़ वोट डाले गए, जो कि 72%, 72.2% के मतदान का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि लगभग 72.2% मत डले। सितंबर 2014 में स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम को छोड़कर ये 1992 के यूके संसदीय आम चुनाव के बाद से सबसे अधिक पड़ा हुआ मतदान था। जनमत संग्रह का परिणाम क्या हुआ कि 16 करोड़ लोग, यानी कि सभी मतदाताओं का लगभग 48.1%, उन्होंने यूरोपीय संघ के सदस्य बने रहने के लिए मतदान किया, और 17 करोड़ लोग जो थे, यानी कि सभी मतदाताओं का 51.9%, उन्होंने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान दिया। बाकी जो 25,359 मतपत्र थे वो खारिज हो गए। जनमत संग्रह के लिए 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा डाक वोट जारी किए गए, यानी कि केवल डायरेक्ट जैसे आप वोटिंग डालते हैं वैसे वोटिंग नहीं किया गया था, जो पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट होती है उसके थ्रू भी वोट डाले गए थे। ये यूके में मतदाताओं के 18.4% का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 18.4% मतदाताओं का जो था वो उन्होंने वोट डाले डाक टिकट के द्वारा, जो 2001 में ग्रेटर ब्रिटेन की मांग पर डाक मतदान की शुरुआत के बाद से उच्चतम अनुपात है। मतदान केंद्रों पर लगभग कितने वोट पड़े, 26.3 मिलियन वोट्स व्यक्तिगत रूप से डाले गए थे। तो ये जो वोट डले थे, और इन वोट्स में जिस तरह की कुल मतदाताओं के 51.9% जो संख्या थी, उन्होंने ऐसा वोट किया कि जो ब्रिटेन है उसको यूरोपीय संघ छोड़ देना चाहिए। इसका जो प्रमुख कारण एक है बच्चों, इसका एक प्रमुख कारण यही है कि जो यूके है, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ में जितने भी देश आते हैं, और ब्रिटेन उसका हिस्सा था पहले, तो जो यूरोपीय संघ था वहाँ पर ये था कि सारे देशों में एक ही मुद्रा का चलन किया जाएगा जो कि यूरो थी, लेकिन केवल ब्रिटेन था जहाँ पर पाउंड अपनी मुद्रा चलाता था ब्रिटेन। फिर उसके बाद जब यूरोपीय संघ के नए देश जुड़ने चल सबसे पहले 12 देश थे, और उसके बाद जब नए देश जुड़ने लगे तो उन नए देशों को प्रवासी सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन से कहा गया। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि वो जो अप्रवासियों के लिए सुरक्षा थी वो देने के में ब्रिटेन जो है वो आनाकानी करने लगा। तो इस तरह से जनमत संग्रह बैठा कि लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, तो जो जनमत संग्रह बैठा कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का हिस्सा होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि बाकी देशों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वोट डाले गए, और 51.9% लोगों ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो वोट किया, और ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था। आई होप आप सबको समझ आया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। जब से आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।